हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनीज गार्डन। यहाँ आप देख रहे हैं, ये मेरी शीडलिंग है जो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये गर्मियों की सब्जियों की कुछ बेल वाली सब्जियाँ हैं और कुछ मेरे इसके अंदर टमाटर, मिर्ची, बैंगन और ये भिंडी के प्लांट है, तो इनको आज मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो रहेगा और चलिए जानते हैं किस तरीके की मिट्टी तैयार करें गर्मी की सब्जियों के लिए और कैसे इनको ट्रांसप्लांट करें ताकि प्लांट हमारे शॉक में ना आए और बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाए। तो दोस्तों, गर्मी की सब्जियों की सीडलिंग जो हमारी तैयार हो चुकी है उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले हमें खाली करने होंगे अपने पॉट या ग्रो बैग, जो भी जिसके अंदर आप सब्जी उगाना चाहते हैं। तो उसके अंदर जो भी विंटर की सब्जियां लगी हुई थी उनको आप हटा दीजिए और क्यारी को खाली कर लीजिए। तो उसके बाद ही उसके अंदर हम नई सब्जियाँ लगाएँ। आप देख रहे हैं मेरे टमाटर की क्यारी थी, इसमें से सारे प्लांट मैंने हटा दिए हैं। काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग उन्होंने मुझे दी थी। और उसके बाद कुछ ये गोभी के प्लांट बचे हुए हैं और कुछ मेरी टमाटर की सीडलिंग भी यहाँ तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बीच में मैंने बीज डाल दिए थे विंटर में ही, तो इन सबको अभी मैं सेपरेट करके और क्यारी को तैयार करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी ग्रो बेड है जिसके अंदर मैंने मटर लगाई थी और मटर को मैंने हार्वेस्ट कर लिया और उसके प्लांट को इस तरीके से जो वेस्ट निकला है उसको मैंने ड्राई कर लिया है और अभी मैं इनको अपने पॉट्स में और गमले के अंदर नीचे डाल दूँगी तो बहुत बढ़िया ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, ये क्यारी है मेरी, इसके अंदर मिट्टी का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हो कितनी, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनी हुई है एकदम से खाद वाली। तो इसके अंदर जितने भी रेशे या जड़े हैं, यहाँ आप देख रहे हो जैसे मटर इसके अंदर लगी हुई थी तो इस रेशों को मैंने साफ़ कर लिया है और मिट्टी में जो भी कंकर पत्थर कुछ थे उनको निकाल लीजिए और अच्छे से इसको 2-3 दिन मैंने धूप दिखाया है और धूप के बाद देखिए ये मिट्टी मेरी रिचार्ज हो चुकी है, यानी कि फिर से इसमें जो पौधे को ग्रो करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो फिर से आ गई है। और इसके अंदर हम फिर से ऐड करेंगे, ये देखिए 10 किलो मैंने अपना काओ डंग कंपोस्ट लिया है जो पूरी तरह से गल चुका है। कुछ इसके अंदर से रेशे वगैरह इनको निकाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से ऊपर की कम से कम 6 इंची मिट्टी के अंदर इसको मिक्स कर दीजिए, क्योंकि नीचे ऑलरेडी इसके अंदर मैंने जो अपना सूखा गार्डन वेस्ट है, जो भी पत्तियां जो निकलती हैं मेरे प्लांट का वेस्ट निकलता है, गोभी के पत्ते, मटर के पत्ते, टमाटर के पत्ते, उन सब को मैंने इसमें नीचे भर देती हूँ और धीरे धीरे वो गल के नीचे की तरफ से तो पोषण देता ही है, खाद में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर के लेयर में जहाँ हम अभी अपनी सीडलिंग ट्रांसफ़र करेंगे, इसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसके अंदर उसको पोषण मिलता रहे इसलिए इसको ऊपर के जो 6 इंची का जो लेयर है हमारी मिट्टी का उसके अंदर इसको मिला दीजिए ताकि प्लांट को अच्छे से फूड मिलता रहे और वो बहुत जल्दी से बड़ा हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अपनी जो ग्रो बेड है इसके अंदर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला दिया। बस खाद मिलाते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो खाद होती है वो पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसका कच्चा पार्ट उसके अंदर नहीं होता होना चाहिए, क्योंकि कच्चा खाद जो होता है उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है और उसको अगर हम अपने प्लांट के अंदर डालेंगे तो प्लांट हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जल जाएंगे, गर्मी से हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है उसे। तो ऐसा ना करें कि आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो इसलिए जब भी काओ डंग कंपोस्ट या गोबर की खाद आप यूज़ करते हैं तो पूरी तरह से गली हुई होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी, और बाकी जितनी पुरानी हो उतनी बेटर होती है। और अगर ऐसी खाद आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसके अंदर मैं किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ मैं नहीं करती हूँ अपने गार्डन में। तो उसके लिए अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो उससे बेटर है फिर आप इतनी मेहनत ना करें, क्योंकि केमिकल वाली सब्जियां तो मार्केट में ही आसानी से मिल जाती है। इधर आप देख रहे हो मेरी ग्रो बेड आधी खाली हुई है अभी, क्योंकि इस एरिया में मटर लगी हुई थी, और इधर में आप देख पा रहे हो मेरे टमाटर लगे हुए हैं जिसको मैंने जो शकर्स होते हैं, शकर्स इसको कहते हैं, जो टमाटर के प्लांट के नीचे से जो स्प्राउटिंग निकलती है, जो ब्रांच निकलती है, उनको कट करके मैंने उनसे ये नए प्लांट तैयार किए थे। और देखिए बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इनके अंदर चल रही है, बहुत शानदार। लगातार मुझे 6 महीने हो चुके हैं उन्हीं प्लांट से मैं नए प्लांट तैयार कर लेती हूँ और उन्हीं से मुझे बढ़िया हार्वेस्टिंग लगातार मिलती रहती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं जहाँ भी आपका वेजिटेबल गार्डन है या फ्रूट गार्डन है उसके आसपास आप फूलों के पौधे ज़रूर लगाइए, क्योंकि फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं और मधुमक्खी के आलने से जो आपके वेजिटेबल के प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पोलिनेशन है वो समस्या, पोलिनेशन ना होने की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि नेचुरल पोलिनेटर्स होते हैं जो फ्लावर से फ्रूट बनने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो इसलिए कोई भी सीजनल फ्लावर आपके यहाँ जो भी हो उसको ज़रूर उगाइए, कुछ भी नहीं है तो गेंदे के प्लांट ही लगा दीजिए। देखिए
ये हाइब्रिड वैरायटी का टमाटर है और कितना शानदार, बिल्कुल पेड़ का पका हुआ। और इसी तरीके से ये मेरे बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टमाटो। तो यहाँ आप देख सकते हो मिट्टी में मेरी थोड़ी सी नमी है, क्योंकि दो दिन पहले ही बारिश हुई है। और जब भी आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको शाम के समय का टाइम आप डिसाइड करें, क्योंकि दिन में तेज़ धूप होने के कारण जो प्लांट्स हैं हमारे वो शोक में जा सकते हैं। तो शाम को करेंगे, रात भर का जो ठंडा मौसम है वो उनको सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसमें मैं बेल वाली सब्जियों की, ये सीडलिंग है मेरी जो कोहले और लौकी की है, इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। आप देख सकते हो जो ये वाइट धारियों वाले जो प्लांट हैं, ये मेरे कोहले के हैं, पेठा भी जिसको कहते हैं। और ये बिल्कुल लश ग्रीन जो प्लांट है, ये मेरे लौकी के हैं। तो ये बेल वाली सब्जियों को बहुत बड़ा पोट चाहिए, बहुत सारी मिट्टी चाहिए उनकी जड़ों को फैलने के लिए। तो इसलिए बड़ी वाली ग्रो बेड के अंदर मैं उनको लगाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने पोट में से निकाल लिया, और देखिए कितने अच्छे से इनकी रूट डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको धीरे धीरे से हम इसको बीच में से तोड़ के एक एक प्लांट को अलग कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से अलग करने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप पानी के अंदर डिप कर दीजिए, उससे क्या है कि मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी पानी में और रूट समेत आपके प्लांट बहुत आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। और अगर इसी तरीके से आप सावधानी से इनको अलग कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों हाथों से मुझे करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ आप देख सकते हो ये चार प्लांट मेरे लौकी के हैं और इधर तीन प्लांट मेरे कोहले के हैं। तीन तीन बीज ही मैंने बोए थे और जो जर्मिनेशन रेट है बहुत अच्छी थी, तीनों मेरे जर्मिनेट हुए और प्लांट तैयार हो गए। और इसी तरीके से इधर ये मेरे लौकी के हैं, चार बीज मैंने लगाए थे। यहाँ आप देख सकते हो कि जो बीज का जो खोल होता है, ऊपर का कवच होता है, वो अभी भी पत्ते के साथ चिपटा हुआ है। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा प्लांट हमारा तैयार हो जाता है, ये प्रकृति का चमत्कार ही है। देखिए इसके अंदर से निकलता है प्लांट हमारा। तो ये दो दो प्लांट मैं इकट्ठे इनको लगाऊंगी, क्योंकि ये रूट इनकी काफ़ी आपस में जुड़ी हुई है। इनको एक साथ लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रो बेड मेरी काफ़ी बड़ी है तो इनको फूड के लिए कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर लगा दूंगी। साइड में थोड़ा सा गोला बना दीजिए ताकि पानी इसको अच्छे से मिल जाए। पूरी ग्रो बेड को भरने से अच्छा है कि इसके अंदर ही, अभी प्लांट छोटा है तो इसी को पूरा पानी मिले। और इसके बाद ये दोनों प्लांट हैं, इनको भी मैं इकट्ठा ही लगाना चाह रही हूँ। तो इनको यहाँ पे, क्योंकि बेल वाली सब्जियाँ जब भी लगाते हैं तो उसको क्रिपर नेट की ज़रूरत होती है, ऊपर रस्सी से उसके लिए कुछ ऐसा जाल बुन दीजिए ताकि वो ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि उससे जो हमारे फ्रूट्स जो बनेंगे वो हवा में रहेगी बेल, तो उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी, ज़मीन को मिट्टी को टच नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी को टच करने से जो फ्रूट होते हैं बेल वाली सब्जियों के वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने प्लांट अपने लगा दिए हैं। और फिर से एक बार इसके चारों तरफ एक गोला सा बना दीजिए। इसके बाद यहाँ हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ये तीन गड्ढे बना लिए हैं, और इसके अंदर हम अपने तीनों जो पेठे के प्लांट हैं इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। बहुत ही सावधानी से, रूट इसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, बस बड़े आराम से प्यार से उसके अंदर आपको रखना है और इसको हल्के हाथों से दबाना है। बहुत तेज़ भी नहीं दबाना, क्योंकि कई बार क्या है बहुत ज़ोर से हम उसको दबा देते हैं तो उसका जो तना होता है या रूट होती है वो डैमेज होती है, टूट जाती है। इस तरीके से बस उसको ऐसे प्यार से दबाना है ताकि वो स्टेबल खड़ा हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने सारे जो बेल वाले प्लांट हैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस इनको हमें 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर पतले पतले रेशे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे जो इसको सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे, यानी किसी भी चीज़ को ऊपर पकड़ने की शक्ति देंगे, जिसको पकड़ कर ये ऊपर चढ़ जाएंगे। और उसके बाद 15 दिन के बाद इसका मुझे वो बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक जाल बुनना पड़ेगा, ऊपर ट्रेलिस बनानी पड़ेगी जिसके सारे बेल ऊपर चढ़ जाएं, और ऊपर एक जाल नुमा बनाकर उसके ऊपर मैं इसको चढ़ा दूंगी। उसके बाद इसकी 2G 3G कटिंग जब मैं करूंगी तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसको लगाने के बाद अब इसके अंदर हमें धीरे से पानी देना है, बिल्कुल प्लांट के ऊपर ना दें। हाँ, अगर मिट्टी लग गई है तो उसको हल्के हाथों से धो दें। इस मिट्टी को तैयार करने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नीम खली और सरसों खली का लिक्विड बनाकर वो डाला था ताकि इसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना रहे। बाकी धूप के अंदर मैंने इसको लगभग 3 से 4 दिन तक स्टरलाइज कर लिया है। जितनी भी बीमारियां होती है इसको उलट पुलट करके धूप दिखा दें अच्छे से, तो मिट्टी हमारी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का पानी देंगे। बस ध्यान रखिए, अगर नीचे के पत्ते जो ये होते हैं, जो हमारे जो प्लांट्स के अंदर से जब स्प्राउटिंग होती है तो ये दो पत्तियाँ निकलती है,
इनको आप हटा दें, क्योंकि अगर मिट्टी को टच करेंगे तो इससे हमारे प्लांट के अंदर फंगस लग सकती है। इसको बहुत सावधानी से इस तरीके से निकाल दें और उसके बाद देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। यहाँ आप देख रहे हो कि पौध जो हमारी थी उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया और पानी भी दे दिया है। पहली बार में उसको पूरी अच्छी तरह से पानी दे दें ताकि आसपास की पूरी मिट्टी गीली हो जाए, और उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन तक हमें इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से आधा इंची के करीब ड्राई ना हो तब तक पानी ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से भी ये प्लांट जो है इसे रूट रोट की समस्या आ जाती है। लेकिन पॉट में अक्सर ऐसा होता है, अभी मेरी ग्रो बेड तो काफ़ी बिग साइज़ की है और फुल सनलाइट में ये रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हम धूप अगर तेज़ है तो डेली एक बार इसके अंदर पानी ज़रूर दें, यानी कि मिट्टी में नमी बनाए रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी ड्राई होते ही प्लांट हमारे छोटे हैं तो मर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर अभी कोई खाद या कोई स्प्रे वगैरह हमें नहीं करना है। लगभग 10 से 15 दिन तक जब प्लांट हमारा स्टेबल हो जाएगा और उसमें ग्रोथ आगे स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हमें इसके ऊपर एक बार तो नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, क्योंकि इस वक्त क्या है जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो कुछ देख सकते हो आप लीफ माइनर की समस्या आ सकती है। तो अगर ऐसी समस्या आपके किसी प्लांट में आ रही है तो उस लीफ को तोड़कर डैमेज कर दें, जला दें या फिर कहीं दूर फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर मक्खियों के एग होते हैं और वो लार्वा में कन्वर्ट होकर फिर पूरे प्लांट को डैमेज कर देते हैं, यानी कि पूरे में फैल जाते हैं। तो ये जो ट्रू लीव्स हैं जो बीज में से स्प्राउटिंग के दौरान निकलती है इनको तोड़ दीजिए, और इनको मैं जला दूंगी क्योंकि फेंकने की जगह नहीं है, क्योंकि सारी पत्तियों का मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, कंपोस्ट बिन में ना डाल के इनको जला देते ताकि ये पूरा वेस्ट हो जाए, राख बन जाए, कोई भी इसके अंदर लार्वा या एग है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने की वीडियो। इसी तरीके से हम अपनी सभी सब्जियों की पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बहुत आसानी से, पर थोड़ी सी सावधानी के साथ, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।